नौकरशाही आज कितनी निरंकुश और बेलगाम हो गई है, इसकी वानगी देखनी हो तो सोनभद्र के पीपरी स्थित संचाय विभाग के रिहंद खंड में आइए। आपको बता दें कि पीपरी निवासी गुरुकृपा ट्रस्ट के संचालक व समाज सेवी प्रवीण चंद्र पांडे ने अपर जिला अधिकारी को पत्र भेजकर नौकरशाही की मनमानी एवं भ्रष्टाचार की शिकायत एक बार फिर से की है। आलम यह भी है कि पीड़ित हीरालाल की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संतोष भी विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। अपर जिलाधिकारी को भेजे पत्र में प्रवीण चंद्र पांडे ने लिखा है कि पीपरी निवासी हीरालाल ने सिंचाई विभाग के रिहिंद बांध सिविल खंड में वर्ष 2012 में कुछ कार्य किए थे, पर सब कुछ ठीक हो जाने के बावजूद भी विभागीय अधिकारियों ने भुगतान नहीं किया। मजबूर होकर वर्ष 2016 में न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय ने लगभग एक वर्ष के बाद वर्ष 2017 में भुगतान का आदेश भी दिया। कोर्ट के आदेश के बावजूद भुगतान नहीं हुआ, जिससे पैसों की कमी के चलते 2017 में ही चल बसा। पीड़ित हीरालाल की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संतोष विभाग का चक्कर लगाने लगे, मगर नौकरशाही के आगे उनकी एक नहीं चली और भुगतान फिर भी नहीं हुआ। कुछ माह पूर्व जब वह वर्तमान अधिशासी अभियंता पंकज पाणी शुक्ला से मिले, तब उन्होंने कहा कि विभाग के सहायक अभियंता अजय पांडे से मिलो, तुम्हारा भुगतान हो जाएगा। जब वह सहायक अभियंता से मिला तो उसका आरोप है कि उससे 15% कमीशन की मांग की गई। यह सुनते ही संतोष ने बताया कि उसके घर खाने के लाले पड़े हैं, तो वह कमीशन का भुगतान कैसे करेगा। इस पर सहायक अभियंता ने कहा कि तुम्हारा भुगतान बिना ब्याज के 2 किश्तों में कर दिया जाएगा। पहली किश्त के भुगतान के बाद कमीशन मिलने पर दूसरी किश्त का भुगतान कर दिया जाएगा, और इसके एवज में यह भी लिख कर देना पड़ेगा कि उसके पास विभाग का कोई बकाया नहीं है। समाज सेवी प्रवीण चंद्र पांडे का कहना है कि दोनों अधिकारियों की भ्रष्टाचार की जांच शासन स्तर पर अभी भी लंबित है। उनके कार्यों की वजह से तमाम संविदाकारों को परेशानी हो रही है, इसके बावजूद इन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। वहीं जब सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता पंकज पाणी शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने कहा कि संविदाकार की मृत्यु के बाद कुछ औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई थी, जिसे उनके परिजनों ने पूरा करके कुछ दिनों पूर्व ही दे दिया है। भुगतान की कार्यवाही चल रही है, जल्दी भुगतान कर दिया जाएगा। कमीशन मांगे जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा कोई कमीशन नहीं मांगा गया है, यदि कार्यालय से किसी ने कमीशन मांगा है तो उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र से संवाददाता पंकज सिंह की रिपोर्ट। सुनवाई नहीं हुई, फिर उसके बाद धीरे धीरे पिताजी की तबीयत खराब होने लगी। हम लोग फिर भी वापिस दौड़ के जाते रहे कि तबीयत खराब हो रही है, पैसा जो है समय से दे दीजिए ताकि इलाज करा सके। उसके बाद भी पेमेंट नहीं हुआ। फिर तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद बनारस बीएचयू ले गए पिताजी को, वहाँ जो है कैंसर की पुष्टि हुई। फिर लेके आए भागे भागे, फिर उसके बाद ऑफिस गए, वहाँ फिर बताया कि कैंसर हो गया है, कृपया जो है पेमेंट कर दिया जाए ताकि हम समय से इलाज करा सकें, इनकी जान बचा सकें। उसके बाद भी पेमेंट नहीं हुआ। उसके बाद धीरे धीरे करते करते जो है पिताजी ने कहा कि ऐसा है कि अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो हम कोर्ट का शरण लेंगे, न्यायालय का शरण लेंगे। उसके बाद न्यायालय का शरण भी हम लोगों ने ले लिया 2016 में। 17 में जो है न्यायालय का आदेश भी आ गया, जो कि हमारे पास है न्यायालय का आदेश। उसमें साफ साफ लिखा है कि जो है मूलधन के साथ साधारण ब्याज के साथ जो है इनका पेमेंट 6,88,000 समथिंग कुछ जो है कर दिया जाए। उसके बाद भी 10/7/2017 को न्यायालय का आदेश आ गया था। उसके बाद से लगातार आज हम दौड़ रहे हैं, 2017 से दौड़ रहे हैं। अभी तक किसके किसके पास गए आप? बड़े साहब हैं, पहले भी गए थे, अब इस समय बड़े साहब आए हैं श्री पंकज पाणी शुक्ला अधिशासी अभियंता, उनसे भी 10 बार मुलाकात कर चुके, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, हमारे पिताजी जो है कोर्ट का आदेश आया था 10 तारीख को, 16 तारीख को हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई। अगर उस समय पैसा मिल गया होता तो शायद आज हमारे बीच होते, समय से इलाज करा लेते। फिर उसके बाद हम गए मिले बड़े साहब से, श्री पंकज पाणी शुक्ला जी से। उन्होंने कहा ठीक है आपका पेमेंट हो जाएगा, हम देखे हैं आपका पेमेंट हो जाएगा, घबराइए नहीं, लेकिन मूलधन ही केवल करेंगे, ब्याज नहीं देंगे। हमने कहा सर ब्याज नहीं देंगे तो हम इतना समय से दौड़ रहे हैं, आज हमारे पिताजी भी नहीं रहे इस पैसे के चक्कर में। अगर समय से पैसा मिला होता तो शायद इलाज कराए होते रहते, पैसा भी नहीं मिला, पिताजी भी नहीं रहे, और उसके बाद भी हमको जो है पूरा पैसा नहीं मिलेगा। तो कहें ठीक है ऐसा है, आप छोटे साहब जो है श्री अजय पांडे जी से
जो कि एसडीओ हैं, आप उनसे जाकर मिल लीजिए। हमने कहा ठीक है। गए हम छोटे साहब से मिले, श्री अजय पांडे जी से। उन्होंने कहा कि ठीक है, हो जाएगा, लेकिन कुछ खर्चा बर्चा जो है लगेगा। हम कहे साहब हमारे पास तो खाने को भी पैसे नहीं। तो बोले कि ठीक है, सब हो जाएगा, आप तैयार तो होइए। हम कहे ठीक है, क्या करना पड़ेगा? तो बोले कि पेमेंट आपका दो पार्ट में करेंगे, मूलधन दो पार्ट में करेंगे। एक पहला पार्ट करेंगे, उसमें आप जो है 15% कमीशन दे दीजिएगा, उसके बाद आपका जो है बाकी पेमेंट हो जाएगा। तो हमने कहा ब्याज? तो बोले ब्याज नहीं हो देंगे, उसके लिए लिख के देना पड़ेगा। सर, एक ठेकेदार हैं हीरालाल जी, जो स्वर्गीय हो चुके हैं, लेकिन उनका भुगतान अभी तक नहीं मिल सका है, जो 3 साल पहले ही उनको कोर्ट ने आदेश दे रखा है। तो क्या है सर ये पूरा मामला? हीरालाल एक ठेकेदार थे हम लोग के, जिन्होंने वर्ष 2010-11 वगैरह में कोई कार्य किए थे। तत्कालीन अच्छासी अभियंता जो थे उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि चूंकि यहाँ पे जल विद्युत निगम पैसा देता है, तो जल विद्युत निगम से उनको पूरा धनराशि आवंटन नहीं हुआ था उस समय। उस समय के जो एक्सीएम थे श्री हरिओम गुप्ता साहब, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई उस समय आवंटन नहीं हुआ था, इसलिए उनका भुगतान नहीं हो पाया। बाद में मेरे संज्ञान में ये बात आई तो मैंने उनके घर वालों को पत्र भेज के बुलवाया। उनका कोई ठेकेदार की डेथ के बाद प्रोविजन ये रहता है कि आपस में भाई बहन और उनके भी जो भी वारिसान हैं वो लोग आपस में अपना एक कोर्ट के जरिए और शपथ पत्र के जरिए एक अपना देते हैं कि भाई किसको हम पेमेंट करें। तो उन्होंने अपना आपस आपसी समझौता करके और कोर्ट से एक वारिसान लेके और हमारे यहाँ एक प्रस्तुत किया है अपना दावा। तो अभी मेरे ख्याल से 10 दिन पहले उन्होंने ये दिया है, तो उसके ऊपर अभी हम चेकआउट करवा रहे हैं और धन की मांग भी हम कर रहे हैं कि अगर प्राप्त नहीं हुई होगी उनको इस समय, तो हम धन की मांग भी कर रहे हैं, जैसे ही मिल जाता है। जैसा सर सुनने में आ रहा है कि कमीशन भी मांगा जा रहा है उनसे, तो ये क्या है? नहीं, मेरी तो इस संबंध में उनसे, मेरे ख्याल से मुझसे तो ऐसी कोई बात ही नहीं। अब मेरे कार्यालय में अगर किसी ने कहा है तो इसकी मैं जांच करवानी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.